गाइस आज लेकर आ रहा हूँ मैं 35 रुपये का स्टॉक और लगातार अपने इन्वेस्टर को मल्टी वेगर रिटर्न बना कर दे रहा गाइस। और फ्यूचर भी इस पर कंपनी काम कर रही है, यानी कंपनी एथेनॉल बनाने का काम कर रही है, जिसकी एथेनॉल की आने वाले समय में देश में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट प्रदूषण को कंट्रोल करना चाहती है, तो एथेनॉल से भी काफ़ी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर चलने वाली है आने वाले समय में गाइस। और यही कारण है कि यह स्टॉक अपने इन्वेस्टर को लगातार मल्टी वेगर रिटर्न बना कर दे रहा है और अच्छा खासा ग्रोथ भी इस छोटी सी कंपनी में दिख रहा है गाइस। वही 1 ईयर के अंदर 47% का पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिया गाइस, और 5 ईयर में जो कि 474% का पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिया है गाइस। और काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रहा है इसके चार्ट में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट ओवरऑल ऊपर की तरफ ही जा रहा है गिरावट के बाद गाइस। तो आने वाले समय में यह पैनी स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि अपने कर्ज को कंपनी धीरे धीरे करके कम कर रही है, और जिस दिन इस कंपनी का कर्ज खत्म हो जाएगा तो यह शेयर रॉकेट बन सकता है, क्योंकि कंपनी के पास में कर्ज नहीं होगा। और उस टाइम पर जो कि काफ़ी इन्वेस्टर अग्रेसिव होंगे और अच्छी खासी खरीदारी करेंगे, और वहाँ से प्राइस उड़ता हुआ दिख सकता है गाइस। तो यही कारण होता है कि इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे अच्छा समय होता है कि कम कम क्वांटिटी में कोई ऐसे स्टॉक जो अपने कर्ज को कम कर रहे हों और अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हों, जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है गाइस। तो आइए जानते हैं कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस क्या है। कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, और कंपनी 1931 से वर्क कर रही है। और कंपनी जो कि यहाँ पर दे सकते हैं कि शुगर, एल्कोहल, इथेनॉल पर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, और इसके अलावा जो पावर जनरेशन पर भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। तो कंपनी फ्यूचर बेस पर ही काम कर रही है, क्योंकि इथेनॉल के यहाँ पर फ्यूचर है और पावर का भी यहाँ पर फ्यूचर है, और एल्कोहल भी आने वाले समय में कभी बंद नहीं हो सकता है, और शुगर भी बंद नहीं होने वाला है गाइस। वही कंपनी का मार्केट कैप 4,424 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटी कंपनी है और काफ़ी स्पेस है इस कंपनी को बड़ी बनने के लिए गाइस। और 34.6 का स्टॉक का प्राइस है, लेकिन स्टॉक यहाँ पर अंडर वैल्यूड भी है गाइस, क्योंकि अपने बुक वैल्यू से स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है, जबकि बुक वैल्यू 35 का है। तो उस हिसाब से स्टॉक अच्छे रेट पर मिल रहा है और सस्ते रेट पर मिल रहा है। कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर उसके बुक वैल्यू से नीचे है तो अंडर वैल्यूड माना जाता है गाइस। हॉई कंपनी का स्टॉक का भी जबकि अपडेट नहीं है, और ROC एंड ROE कंपनी के यहाँ पर देख सकते हैं 0.80% का है, और ROE माइनस में 1.90% का है, जो कि कंपनी के लिए माइनस पॉइंट हो जाता है, जो कि ROE का माइनस में होना। और 1 रुपी फेस वैल्यू कंपनी है, और सेल्स कंपनी 1 ईयर के अंदर अच्छा खासा जनरेट करती है गाइस। देख सकते हैं 6,113 करोड़ का कंपनी यहाँ पर सेल्स जनरेट करती है, और कर्ज कंपनी में 3,814 करोड़ का कंपनी में कर्ज है, जबकि कर्ज से कहीं ज़्यादा कंपनी में यहाँ पर रिजर्व पड़ा हुआ है, 4,351 करोड़ कंपनी में रिजर्व पड़ा हुआ है। यहाँ पर माइनस पॉइंट है प्रमोटर की होल्डिंग, लो प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर ने यहाँ पर अपने सारे शेयरों को गिरवी रखा होगा, और कारण इसमें चाहे कुछ भी हो सकता है गाइस। आपके हो सकता है कि प्रमोटर अपने कर्ज को कम करने के लिए गिरवी रखा हो, या कुछ और भी कारण हो सकता है, तो प्रमोटर ही जाने, लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। और FIDIS की आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी होल्डिंग है, जबकि FIS ने 4.32% की होल्डिंग है, और DIS के यहाँ पर 8.14% की होल्डिंग है, जबकि FIDIS काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस। जिस कंपनी में ग्रोथ नज़र आता है उसमें FIDIS इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फंडामेंटल और बिजनेस को यहाँ पर DIS इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस। और अर्निंग पर शेयर माइनस में है, जबकि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में 635 करोड़ का है गाइस, और सेल्स ग्रोथ कंपनी का माइनस में है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में आप 58.6% का है प्लस में है। वही कंपनी में प्रॉफिट लॉस की बात करें गाइस सेल्स, तो देख सकते हैं कंपनी का सेल्स जो कि ओवरऑल यहां से इंक्रीज हो रहा है, लगातार कंपनी का सेल्स धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है गाइस। और यही कारण है कि अपने इन्वेस्टर के यहाँ पर रिटर्न भी कंपनी बनाकर दे रही है। और नेट प्रॉफिट बात करें गाइस, तो नेट प्रॉफिट दे सकते हैं कंपनी यहाँ पर जो कि अभी फिलहाल माइनस जनरेट कर पा रही है गाइस, मतलब कंपनी हमारे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, लेकिन पहले के मुकाबले आप देख सकते हैं पहले कितना माइनस में आता था, और अभी माइनस में धीरे धीरे करके कम होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो यह कंपनी के लिए अच्छी बात है। और वही रिटर्न की बात करें गाइस, तो देख सकते हैं कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न बना कर दिया है, 10 ईयर में भी बना कर दिया है, और 5 ईयर में भी बना कर दिया है, 3 ईयर में बना कर दिया, 1 ईयर 47% का पॉजिटिव रिटर्न बना कर दिया गाइस CAGR के अनुसार।
वही कंपनी में रिजर्व जो कि ठीक ठाक है, और बोरोइंग कंपनी यहाँ पर कम कर रही है गाइस। जैसे देख सकते हैं कि कंपनी का बोरोइंग पहले कितना था, 8,513 करोड़ का था गाइस पहले जो कर्ज। अभी वर्तमान में कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी कर्ज कम कर लिया है, जो कभी इसको लगभग आधा कर लिया, आधा से भी कम कर लिया है। 3,814 करोड़ का कंपनी का कर्ज हो गया है, जबकि यहाँ पर रिजर्व को बढ़ा रही है। तो आने वाले समय में कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो सकती है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी के यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है गाइस। और प्रमोटर की होल्डिंग जो कि लो है, यहाँ पर गिरवी रख रखा पूरे पूरे, जो कि माइनस पॉइंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है गाइस कि FIS ने यहाँ पर देख सकते हैं कि इंक्रीज किया है। तो FIS इंक्रीज करने का मतलब है कि आगे ये अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है, यह हम अनुमान लगा सकते हैं गाइस। और DIS की 8.60% की होल्डिंग थी, जो DIS ने पर थोड़ा बहुत बिकवाली किया, जो माइनस पॉइंट हो जाता है। पब्लिक की होल्डिंग पहले कितनी थी, 63.73%। तो ओवरऑल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है गाइस। तो आप सोच सकते हैं कि पब्लिक से माल कहाँ जा रहा है, FIS DIS पास जा रहा है। तो गाइस पैनी स्टॉक तो ऐसे काफ़ी रिस्की होते हैं, लेकिन फ्यूचर बिजनेस पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए और कुछ ऐसे फंड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो जो कि अपने कर्ज को कम कर रहे हों और नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं, 5 DIS की होल्डिंग हो, तो ऐसे पैनी स्टॉक फ्यूचर में मल्टीपल रिटर्न बनाकर दे सकते हैं गाइस। लेकिन गाइस पैनी स्टॉक में आपको अपने रिस्क वाला ही पैसा लगाना चाहिए, जितना आप रिस्क सह सकते हैं। ये वीडियो ने फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए गाइस, इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक रिसर्च जरूर कर लें। धन्यवाद।